नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैल्सिजेंट K27M टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और कैल्सिजेंट K27M टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन व्यक्तियों के लिए कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेना जरूरी होता है और किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है। हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम बेहद ही जरूरी होता है। हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है और बचा हुआ 1% हमारे ब्लड में होता है। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब हमारा शरीर हड्डियों और दांतों से कैल्शियम लेने लग जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हड्डियां और दांत कमजोर होने लग जाते हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से हड्डियों में हल्की सी चोट या गिरने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। कैल्शियम की कमी की वजह से दांतों की जड़ें कमजोर हो जाती है और दांत भंगुर होकर टूटने लगते हैं, और छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होने पर उनके दांतों को निकलने में देरी हो सकती है या लंबा समय लग सकता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी लंबे समय तक रहने पर उनकी हाइट भी कम रह सकती है। कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है और 19 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क अधिक हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों का रोग है जिसमें हड्डियां बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों में हल्की सी चोट या गिरने की वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर शरीर की हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहने की समस्या भी हो सकती है। कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेना जरूरी होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर भी कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, और शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर आप कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए अकेले कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बेकार है, क्योंकि विटामिन डी के बिना आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा और आपके द्वारा लिए जाने वाले कैल्शियम के सप्लीमेंट्स पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी को एक साथ लेना जरूरी होता है। कैल्सिजेंट K27M टैबलेट में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी होता है, इसलिए आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अलग से लेने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैल्सिजेंट K27M टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है। कैल्सिजेंट K27M टैबलेट का उपयोग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर, हड्डियों में फ्रैक्चर होने पर, रूमेटोइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर, शरीर के जोड़ों, हड्डियों व मांसपेशियों में दर्द होने पर, न्यूरोपैथिक दर्द होने पर यानी नसों का दर्द होने पर, डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पर, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर, ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स होने पर, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होने पर, शरीर में दांतों, जोड़ों और हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, और जो व्यक्ति मिर्गी या दौरों की दवाइयां ले रहे हैं जैसे फेनोबारबिटल फेनिटोइन, उन व्यक्तियों को भी डॉक्टर कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है और किन व्यक्तियों को कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है। जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी डाइट लेते हैं और दूध, दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन बहुत कम मात्रा में करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में कैल्शियम की कमी होने का जोखिम अधिक होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेने की जरूरत पड़ सकती है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं में
मेनोपॉज के बाद कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए डॉक्टर मेनोपॉज के बाद महिलाओं को भी कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन या नमक का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है, क्योंकि प्रोटीन और नमक का सेवन अधिक मात्रा में करने से शरीर से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है। अगर आपने स्टेरॉयड दवाओं का सेवन लंबे समय तक किया है या कर रहे हैं तो आपका डॉक्टर कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है, क्योंकि स्टेरॉयड दवाओं का लंबे समय तक सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क को कम करने के लिए भी डॉक्टर कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा किडनी फेलियर होने पर भी शरीर में कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी होती है। जिन व्यक्तियों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है उन व्यक्तियों में भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या होने पर व्यक्ति दूध को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को दूध को पीने के बाद पेट में दर्द, पेट में गैस, पेट में भारीपन, दस्त या स्टूल के अंदर फैट आती है तो ये लक्षण लैक्टोज इंटॉलरेंस के हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को आप हल्के गर्म दूध या हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। कैल्सिजेंट K27M टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को कितने समय तक लेना चाहिए, यह उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग अलग हो सकता है। इसलिए कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर और दही में भी कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की कैल्शियम की कमी को प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं तो आपको इनका सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। एक लीटर दूध में लगभग 1300 mg कैल्शियम होता है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा प्रतिदिन एक लीटर दूध को दो भागों में बांटकर सुबह शाम पी लेता है तो उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। इसके अलावा मूंग दाल, बादाम, नारियल, सोयाबीन, आम, संतरा और आंवला भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इनका सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना चाहिए। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो कैल्सिजेंट K27M टैबलेट एक बहुत ही सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में कैल्सिजेंट K27M टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को रिकमेंडेड डोज से ज्यादा डोज में लेते हैं तो इसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो सकता है, जिसको हाइपरकैल्सिमिया भी कहते हैं। शरीर में कैल्शियम का स्तर ज्यादा होना भी नुकसानदायक होता है। कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होने से दिल से संबंधित रोग होने का रिस्क अधिक हो जाता है, किडनी में पथरी होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को ज्यादा डोज में या ज्यादा लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। थायराइड की टैबलेट और कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि थायराइड की टैबलेट और कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को एक साथ लेने से थायराइड की टैबलेट का अवशोषण कम हो सकता है, जिसकी वजह से थायराइड की टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है। अगर आप थायराइड की टैबलेट को लेते हैं तो आपको थायराइड की टैबलेट और कैल्सिजेंट K27M टैबलेट में 8 से लेकर 10 घंटे का गैप रखना चाहिए। किडनी की कोई समस्या होने पर और किडनी में पथरी होने पर कैल्सिजेंट K27M
ग्राम टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। आपको कैल्सिजेंट K27M टैबलेट को लेते समय आयरन के सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के साथ आयरन के सप्लीमेंट लेने से कैल्शियम शरीर में आयरन के अवशोषण को रोक सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका कैल्सिजेंट K27M टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।